बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। इन लिटरेरी थ्योरी टुडे वी विल टॉक अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ और बताऊं आपको, सो लेट मी टेल यू, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। सो आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट वॉच दैट, ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता लग जाए और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी अच्छे से समझ आ जाए। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जैसा कि आप देख सकते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मीन आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म, दिस इज कंटिन्यूशन एंड रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। सो दिस इमर्ज्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द 1960s। इट वॉज द पीरियड आफ्टर मौलिक टाइम रेबिलियन डिसिल्यूजनमेंट विद ट्रेडिशन वैल्यूज। सो इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म, नेहलिज्म एंड इट वॉज बेसिकली लोकेटेड इन फ्रांस। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद अ हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद अ हाइफन मीन्स द टाइम पीरियड, या बेटा आप लोग कह सकते हैं टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड्स विच इज आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म, एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ओनली द टाइम पीरियड व्हेन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट अ हाइफन, दैट इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सो दिस वीडियो इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आई विल टेल सम पीपल एसोसिएटेड एंड वी विल talk about every writer in detail individually. So this is post structuralism. Next beta, what is post structuralism? A body of different responses to structuralism, a philosophical movement of the 20th century. It focused mainly on language as the system in constant change. सो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। बेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ विद इन डिटेल, लेकिन बेटा यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चरलिज्म आल्सो अबाउट स्ट्रक्चर, दैट देयर इज स्ट्रक्चर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, but here these people rejected the structure that there is no fixed structure. Structuralism में हर एक चीज़ का एक structure होता है, वो जो भी चीज़ है वो किसी न किसी एक बड़े part को belong करती है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो इसका एक structure होता है जिसको वो belong करती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड सासर, ही टॉक्स अबाउट साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, एक साइन होगा इसका, एक सिग्निफायर होगा, एक सिग्निफाइड मीनिंग होगा। एक सिग्निफायर जो होगा वो हेल्प करेगा इसका मीनिंग क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, दैट देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग, देयर इज नो फिक्स्ड सिग्निफायर और सिग्निफाइड। फॉर एग्जांपल, आई सर्च इन डिक्शनरी द वर्ड्स गॉड, तो इसके बेटा बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स आ जाएंगे बेटा, जैसे कि बेटा ऑल माइटी, और इससे अल्टरनेट मतलब तीन से चार मतलब वर्ड्स और क्रिएट हो जाएंगे। आई क्लिक अ वर्ड ऑल माइटी, सो ऑल माइटी आई सी मैनी मोर वर्ड्स, तो सिग्निफायर भी बेटा यहाँ पे बदल जाएगा और सिग्निफाइड भी यहाँ पे बदल जाएगा। तो इसका मतलब है देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग। आप आगे से आगे चलते जाओ, चलते जाओ बेटा, लास्ट तक कोई मीनिंग नहीं निकल कर सामने आएगा। ये कौन लोग कह रहे हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोग कह रहे हैं। इनका ये मानना था कि लोग बिलीव करते हैं हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लोग ये मानते थे कि हर चीज़ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो चेंज होती है।
जैसे कि यहाँ पर एक बात कह रहे हैं अबाउट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रक्चर. इट फोकस्ड मेनली ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम इन कॉन्स्टेंट चेंज, कि चेंज होगा तभी कोई मीनिंग क्रिएट होगा. चेंज बहुत ज़रूरी है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है. तो इसी तरह कुछ बाउंड्री अपोजिशन जो स्ट्रक्चरलिज्म वाला ने बताए थे, दे रिजेक्टेड ऑल बाइनरी अपोजिशन. रिजेक्शन ऑफ बाइनरीज लाइक डे नाइट, मेल फीमेल, स्पीच राइटिंग, रैशनल इमोशनल, सिग्निफायर सिग्निफाइड, सिंबॉलिक इमेजिनरी, इनलाइटमेंट रोमांटिक. बेटा स्पीच एंड राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट स्पीच इज सुपीरियर टू राइटिंग. वो क्या कहते थे कि स्पीच पहले आई है और राइटिंग बाद में आई है, तो इसलिए स्पीच जो है वो सुपीरियर है. लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो क्या कहते थे कि राइटिंग ज़्यादा सुपीरियर है. राइटिंग इज सुपीरियर टू स्पीक. वाई? बिकॉज यू आर एबल टू स्पीक ओनली वेन यू क्रिएट अ काइंड ऑफ इमेज और ओनली वेन यू राइट इट अ काइंड ऑफ योर माइंड. अब आपने कोई वर्ड बेटा रखा, जब तक इसका वर्ड इमेज आपने दिमाग में नहीं लिखी तब तक आप इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते. ये बात कहते थे स्ट्रक्चरलिज्म वाले के That a child, while he grows up, he speaks first and then he writes. जिसको इन्होंने opposite इन्होंने कहा कि पहले हम दिमाग में कुछ लिखते हैं, एक image लिखते हैं, इसके बाद that he were to speak. तो वैसे ही जैसे जितने भी boundaries हैं ये था कि fix है, दिन है तो रात है, रात नहीं तो दिन नहीं. वही बात कहते हैं दुख ना हो तो सुख का मज़ा नहीं आता. वही है कि दिन ना हो तो रात कैसे पता चलेगी, अगर रात ना हो तो दिन का कैसे पता चलेगा. तो ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, ये फिक्स है. मेल है तो वो तो ही फीमेल है, ये फिक्स्ड है. मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो वो फीमेल ही रहेगी, दिस इज फिक्स्ड. अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दैट इन दिस सोसाइटी और इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस टाइम दिस इज वेरी टेक्निकल पीरियड दैट वी आर लिविंग इन. अब तो बेटा सेक्स भी चेंज हो जाता है, जैसे कि मेल है तो वो चाहे तो फीमेल बन सकती है, आप फीमेल जो है वो चाहे तो मेल बन सकता है. सो अब तो जेंडर भी बेटा चेंज हो जाते हैं, वो भी फिक्स नहीं है. तो इसी तरह जितनी भी बाइनरीज हैं इनको रिजेक्ट करते हैं. रैशनली इमोशनल, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का ऑलरेडी मैं आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ. ही इज़ रिजेक्टेड. वाई? देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग, देयर इज़ नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. इस तरह बेटा रोमांटिक एज, इनलाइटमेंट, इमेजिनरी वर्सेस जो थी, जो बाइनरीज थी, वो इन चीज़ों को ये बेटा सारे रिजेक्ट करते हैं. तो इसी तरह कुछ लोग थे जिसमें बेटा रोलैंड बार्थी जो थे वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे. धीरे धीरे इन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, जो आइडियाज़ थे स्ट्रक्चरलिज्म के सबको अपने ऊपर अपोज करना स्टार्ट कर दिया. So, post-structuralism is defined by its relationship to its predecessor structuralism. Post-structuralist authors are present different critiques of structuralism, but common themes including rejection of the self-sufficiency of the structuralism. ये question करते थे बेटा कि एक structure खुद अपने आप में एक पूरी तरह fix है, वो रिजेक्ट करते थे कि नहीं वो कभी भी बदल सकता है. दैट द स्ट्रक्चरलिज्म अपोजिट एंड द इंट्रोगेशंस ऑफ बाइनरी अपोजिशन एंड द कॉन्स्टिट्यूट
दो स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरह बेटा बाइनरी अपोजिशन को भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्टेड द फिनोमिनल लॉजिकली आइडिया दैट नॉलेज कुड बी सेंटर्ड ऑन द ह्यूमन नॉर एंड सॉल्व व्हाट दे कंसीडर आर मोर सिक्योर फाउंडेशन फॉर नॉलेज। फिनोमिनल लॉजिक जो था वो था कि बेटा बेस ऑन योर एक्सपीरियंस, तो इन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। सो इन स्ट्रक्चरलिज्म नॉलेज इज फाउंडेड ऑन द स्ट्रक्चर दैट मेक एक्सपीरियंस पॉसिबल। स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारा तजर्बा पॉसिबल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, लैंग्वेज होती है, साइन होता है, वो बेटा जो सिग्नी स्ट्रक्चरलिज्म थे वो लैंग्वेज की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो फॉरेनर डिसऑर्डर थे वो फोकस करते थे लिंग्विस्टिक के ऊपर। आई कंट्रास्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यू दैट फाउंडिंग नॉलेज ईदर मोर एक्सपीरियंस आर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर इन इम्पॉसिबल। वो मना करते हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई सिस्टमैटिक सिस्टम की कोई ज़रूरत है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। तो इसके हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट्स द नोशंस ऑफ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द डोमिनेंट रिलेशन इन द हायरार्की। जो भी डोमिनेंट सोसाइटी है हायरार्की में, जो भी डोमिनेट है वो इन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। सो द ओनली वे टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दीज मीनिंग टू डीकंस्ट्रक्शंस assumptions नॉलेज सिस्टम दैट प्रोड्यूस मल्टीपल सिटीज द illusion ऑफ सिंगुलर मीनिंग्स। बेटा ये जो deconstruction का मैंने इधर concept बताया, ये सेम एज इट इज़ बेटा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। ये deconstruction का आप लोग concept मैं आप लोगों को next बेटा in detail में बताऊँगी, लेकिन ये इधर बताने का मकसद ये है कि बेटा deconstruction and पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर सेम। तो बेटा डीकंस्ट्रक्शन की अलग से एक बता मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो वो क्या थे, दे यूज टू ब्रेक द स्ट्रक्चर, दे आर मेन फोकस टू फाइंड द एब्सेंट थिंग्स, कि क्या एब्सेंट जो से हैं इसमें वो एक स्ट्रक्चर को तोड़ना मरोड़ना, जो जिसको बेटा तोड़ मोड़ कहते हो, वो सारी चीज़ें बाहर लेके आते हैं, उनको तोड़ मोड़ कर सारी चीज़ों को बाहर लेके आता है। तो जिसको हम लोग देख नहीं रहे होते वो इन चीज़ों को बाहर लेके आते हैं। तो इनका ये था कि देयर वर टोटली अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चर्स। तो बेटा यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, ये आप लोग बेटा देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की समझ आ गई होगी। तो अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।